नमस्ते ऑल स्टूडेंट, क्लास यूकेजी, विषय राइम्स, वेला फाइव में आप सभी भैया बहनों को टॉपिक में है द डायरेक्शन, दिशाएं। डायरेक्शन माने दिशाएं, दिशाओं का अभ्यास कराएंगे। पोएम में लिखा है, पोएम लिखिए, इसको जो है सुर के साथ गा रहे हैं हम। आप भी कोशिश करेंगे भैया बहन गाने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि व्हेन यू स्टैंड बिफोर द लाइव जनरेशन, व्हेन यू स्टैंड बिफोर द लाइव जनरेशन, फ्रेंड विल बी बेनिश वेल, भगवान के सामने खड़े होते हैं तो फ्रंट यानी सामने, सामने ईस्ट होता है पूरा और उसके बैक पीछे पश्चिम। तो लिखा कि फ्रंट विल बी ईस्ट, बैक विल बी वेस्ट, लेफ्ट विल बी नॉर्थ, राइट विल बी साउथ, लेफ्ट विल बी नॉर्थ, राइट विल बी साउथ। देयर आर फोर डायरेक्शन, देयर आर फोर डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अपने चार दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। जब अपन सूर्य भगवान के सामने खड़े होते हैं तो वहां पूरब होता है, पीछे पश्चिम और ईशान उत्तर वसन दक्षिण दायां। उसी का वर्णन इस कविता में किया जा रहा है कि व्हेन यू स्टैंड बिफोर द राइजिंग सन, व्हेन यू स्टैंड बिफोर द राइजिंग सन। फिर सुनेंगे कि फ्रंट विल बी ईस्ट, बैक विल बी वेस्ट, लेफ्ट विल बी नॉर्थ, राइट विल बी साउथ, देयर आर फोर डायरेक्शन। यहां पर चार दिशाओं का वर्णन किया गया है कि देयर आर फोर डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, व्हेन यू स्टैंड बिफोर द राइजिंग सन, व्हेन यू स्टैंड बिफोर द राइजिंग सन। इसके बाद आपके लिए ग्रह काल में दिया गया है पोयम है द डायरेक्शन, दिशाओं का ज्ञान। आपके लिए लिखा है डाइट एंड लैंड और इसको लिखना है घर पर, चार दिशाओं का अभ्यास करना है, लिखना है, याद करना है। आज इतना ही, कल मिलेंगे, नमस्ते।